वेलकम टू टॉक विद सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, जो UPSC ने एग्रीकल्चर का जो करवाया था एग्ज़ाम 2021 में, 2020 में वैकेंसी आई थी जो UPSC की तरफ से, स्टेट कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विसेज का, तो उसका सॉल्व पेपर पूरा ऑफिशियल आंसर की के जरिए हम सॉल्व करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, और आपको बताता चलूँ कि ये पहली बार ये अलग से जो एग्रीकल्चर कंबाइंड सर्विसेज जो है उसका एग्ज़ाम करवाया गया, ये उसी का पेपर है। तो ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बिल्कुल आंसर यहाँ पे राइट बताए गए हैं, तो आप लोग इस पर डाउट मत कीजिए, और ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? तो इसका ऑप्शन बी, पुलकित झील। तो दोस्तों, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, मैं हिंदी में पढ़ता हुआ चलता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। फिलहाल हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी में ही पढ़ता हुआ चलूँगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गज एक मीटर का 91% है, एक मीटर एक गज का कितने प्रतिशत है? तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 109.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये है मरक्कार, ऑप्शन सी मरक्कार, लाइन ऑफ द अरेबियन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है, यदि महीना 30 दिन का हो और एक तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 285। ये लोग आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करने लगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा, आप लोग अलग से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई? तो यह है बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? ये ऑप्शन डी, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन सी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 0 मतलब 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर बट्टा 1% तथा 20% तुल्य है? तो बट्टा होगा a+b-ab/100 का होल परसेंट, ये होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन? तो ये होगा ऑप्शन डी, उल्टा, इन्वर्टेड इंग्लिश में बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो ये रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन, ये नहीं है। नीति आयोग को आपको जॉब मिले या ना मिले, इससे कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो ये है सहारनपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी मोमेंटम कंजर्वेशन। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है नागपुर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये नागपुर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो ये जो रुहेलखंड है ये सादत खान से नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। बाकी यहाँ पे जो मिलान है वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से किस सही उत्तर चुनिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए का दूसरा और बी का तीसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और चौथे का पहला। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है? ये है ऑप्शन ए चित्रकूट। तो नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? तो ये ऑप्शन डी के एन नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व की ओर है तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। ये रीजनिंग का सवाल है, आप लोग अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करने लगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, उनका वीडियो बड़ा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर की के हिसाब से आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित है? तो ये है 1800 180 1551 1551। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये कानपुर देहात बिधूना, ये गलत है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है 25 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? व्हाट नेम इज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस? अल्फा, तो ये अल्फा नाम दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में आवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया? तो ये है प्रद्योत, प्रद्योत, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये फिर से रीजनिंग का सवाल है, निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या, तो यहाँ पे ये जो लुप्त संख्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों और भैंसों में दुग्ध जर रोग होने का कारण? ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थापित है? ऑप्शन डी मऊ में। वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? इज ऑप्शन डी मऊ। नेक्स्ट है, चीन के पहले मार्स मंगल रोवर, मार्स रोवर नाम है, मंगल मिशन जो है उसका नाम है मार्स रोवर का क्या नाम है? तो इसका नाम है, यान का नाम है जिरोंग, जहा रोंग हिंदी में और झुरोंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप जो चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न
कोच फैक्ट्री स्थापित है, यह ऑप्शन बी रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है, ये जुड़ा है इनकम इनइक्वलिटी, आय असमानता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सहारनपुर। नेक्स्ट है जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया, तो ये शुरू किया ऑप्शन बी फड़ीधर, यानी गुजरात में शुरू किया इटली ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, ऑप्शन ए मकड़ी, क्योंकि कीट जो होता है उसमें 6 पैर पाए जाते हैं और इसमें मकड़ी में 8 होते हैं, तो ये इसके प्रजाति से बाहर आ जाता है, कीट में नहीं गिना जाता इसको। नेक्स्ट वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की, ऑप्शन ए इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है, यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था, तो ऑप्शन बी 50,000। इसको सॉल्व करके मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लगते दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ की जो लुप्त संख्या होगी 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच और स्टेफेनोस सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं, ऑप्शन ए सर्बिया और ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अंकों का योग 3 है तथा उनके वर्ग का योग 12 है तो उनका गुणनफल बराबर होगा, तो ये होगा -3/2। नेक्स्ट 41 नंबर का सवाल है न्यूट्रोपोनिक्स क्या है, व्हाट इज न्यूट्रोपोनिक्स, ये होता है पोषक तत्वों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है आम की प्रजाति सिंधु की संकर है तो ये होता है रत्ना इंटू अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, तो यहाँ पे जो कथन है क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है, तो कारण हो गया आर क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगिंग क्रिया की जाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना। 45 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 नकारात्मक और शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर गेहूँ में मौल्या रोग डट निमेटोड के कारण होता है तो ये होता है हेटेरोडेरा एवेन्यू। मौल्या डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय निमेटोड, ऑप्शन डी हेटेरोडेरा एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 60-65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए का दूसरा और बी का चौथा।
और सी का पहला और डी का तीसरा, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं आप। यहाँ पे फिर से मैचिंग एक दी गई है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची एक का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेक्ट्राइकम स्पेसीज का होगा स्पेरोडोकियम, और सॉरी फ्यूजेरियम स्पेसीज का होगा चौथा स्पोरोडोकियम, और जो बी का होगा वो होगा तीसरा, और जो सी का होगा वो होगा दूसरा, और जो डी का होगा वो होगा पहला। तो यहाँ पे आप मैच करके आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है? तो ये ऑप्शन बी मॉलीब्डेनम, तो माइक्रो एलिमेंट होता है ना उसी में गिना जाता है। नेक्स्ट 51 नंबर, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग डॉट डॉट के कारण के निर्धारण में किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ पोटेशियम, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर वाज लोकेटेड एट जोधपुर, ऑप्शन ए जोधपुर। 53 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला डॉट में स्थित है, यह है ऑप्शन सी नागपुर, जिसको सेंट्रल एगमार्क लैब बोलते हैं ना, सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट नागपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, अनाक्षी श्वसन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, अनाक्षी श्वसन को कहते हैं ऑप्शन डी अंता आणविक श्वसन, इंट्रा मोलिकुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, बोल्टिंग डॉट फसल से संबंधित है, ये चुकंदर, सुगरबीट में बोल्टिंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से मैचिंग दी गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला का चौथा, और ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, ठीक है, राइट आंसर दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तीसरा, मतलब ये पहला हो जाएगा, फिर पहला और फिर दूसरा और फिर पांचवा, उसके बाद चौथा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अट्ठावन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किसानों की सेवा समिति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज। नेक्स्ट है 59 नंबर, एच ए एन पी वी जैविक नियंत्रण का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, चना की फली भेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना का फली भेदक मतलब ग्राम पोड बोरर, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बी वाला सही सुमेलित नहीं है, और बाकी आप लोग यहाँ पे पूरे सही सुमेलित हैं, इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, कोरियोप्टेरा फैमिली में नहीं, ऑर्डर में नहीं आता, तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है? जन संबोधन प्रणाली, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड, तो ये ऑप्शन डी पब्लिक एड्रेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, फल मक्खी डॉट डॉट फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है, ऑप्शन सी कद्दू पंपकिन, फ्रूट फ्लाई लेज एग अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट पंपकिन फ्रूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। यहाँ पर भी मैचिंग दी गई है, ये मैचिंग बहुत ज़्यादा आई थी इसमें, पीसीएस में ऐसे ही पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चारकोल सड़न, ये गन्ना में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को बर्टिसॉल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग दी गई है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया एसिटाई। बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री इज बेनेसिया एसिटाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चूनयुक्त पदार्थों में डॉट डॉट का उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पे मैचिंग दी गई है, ऑप्शन ए को 20 और सेकंड वाले से मैच करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से माहू की क्षति पहुँचाने वाली अवस्था कौन सा है, ऑप्शन सी प्रौढ़ और निम्फ, एडल्ट एंड निम्फ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, फिर से मैचिंग दी गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला का दूसरा, मतलब ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, ये फिर से मैचिंग दी गई है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइसीनेस एक शारीरिक विकार डॉट डॉट फसल से संबंधित है, ऑप्शन बी फूल गोभी, इसको रेसीनेस बोलते हैं या राइसीनेस जो भी बोल सकते हैं आप, कि इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू कॉलीफ्लावर क्रॉप। नेक्स्ट फिर से मैचिंग दी गई है यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये कथन दिए गए हैं तीन, मक्का C4 पौधा है, या अब दूसरा दिया है क्रंज एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, तीसरा दिया है C3 पौधे में प्रकाश शोषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक और दो, मतलब यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, फिर से मैचिंग यहाँ पे आ गई है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए का होगा पहला, बी का होगा दूसरा, सी का होगा तीसरा, डी का होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन बी पक्ष संक्रमण विधि। विच मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स, ऑप्शन बी बैक क्रॉस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकल जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, जल निकास गुणांक, ड्रेनेज कोएफिशिएंट। द रेट एक्सप्रेस्ड इज द डेप्थ ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर आउट फ्रॉम ए गिवन एरिया इन 24 आवर्स इज कॉल्ड एज ड्रेनेज कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, किस मृदा भाग में सबसे अधिक सी ई सी
होती है, तो यह है कार्बनिक पदार्थ। विच ऑफ द सॉइल कंपोनेंट हैज हाईएस्ट सीईसी? ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूसेस? सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, फिर से यहाँ पे मैचिंग आ गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। और नेक्स्ट है 84 नंबर, यहाँ निम्नलिखित यहाँ पे फिर से मैचिंग है, पूछी गई है, इसमें ये पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये मैचिंग दी गई, इसमें ऑप्शन बी कपास, कपास 50, ये न्यूनतम अलगाव दूरी इस इतनी नहीं होती है कपास की, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, 3 और 1। पहले टॉपिंग होती है, फिर प्राइमिंग, सॉरी शकर निकालना होता है, मतलब डी शकरिंग बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद टॉपिंग होती है। इनका क्रम पूछा गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं खेतों में इन क्रियाओं को करने का सही क्रम, तो मैंने बता दिया आपको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, यहाँ फिर से मैचिंग दी गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर, गन्ने के तने का घसैला रोग डॉट डॉट दौरा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी। ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाई माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड, यह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है ना? अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा बाद में आपको, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों यही सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गन्ना भूरा फुटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए, ये फिर से मैचिंग आ गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ये क्रम से पहले ही लगे हुए हैं, ठीक है ना? फिलहाल आप देख लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। कारण आर है, फास्फोरस का अम्लीय मृदा से विच्छालन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, मतलब ये वाला सही कथन है बट इसका कारण ये गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में डाट तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। द ऑक्सीडेशन ऑफ जेंथिन इज कैटलाइज्ड बाय जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज कंटेंस डाट एलिमेंट, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, फिर से मैचिंग यहाँ पे पूछी गई है, पौधे का नाम और फूल का रंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा,
डी का चौथा, ये लाइन से लगे हुए हैं, इनको डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ सकते हैं और ए आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, यहाँ पे फिर से मैचिंग है दोस्तों, यहाँ पे बीज वर्ग और टैग का रंग पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला और दूसरा, मतलब प्रजनन बीज सुनहरा पीला और दूसरा आधार बीज सफ़ेद, ये दोनों सही हैं और बाकी ये दो गलत हैं। यहाँ पे सही और गलत पूछा गया है, उपरोक्त युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं वो पूछा गया, तो ये सही सुमेलित हैं ऊपर वाले, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है, ऑप्शन डी अर्का सुप्रभात H40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो, अर्का सुप्रभात H14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मृदा की लंबवत काट को कहते हैं, ऑप्शन ए मृदा रूपरेखा, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर है धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग में टर्टर निर्देशित किया जाना चाहिए, नंबर एक ऑक्सीकृत क्षेत्र, नंबर दो अपचयित क्षेत्र, नंबर तीन सतह पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो सही है, अपचयी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ फिर से मैचिंग दी गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, आप यहाँ पे मैचिंग कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी बैगन लाल सड़न से सुमेल जो रोग होता है वो बैगन में नहीं होता, ये गन्ने का रोग होता है, इसीलिए ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा वो जो तीन दिए गए हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेरिया मेलोनेल एक डॉट डॉट नासी कीट है, ऑप्शन सी मधुमक्खी का हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन ओएच माइनस की सांद्रता है, ऑप्शन ए 10^-5 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, फिर से दोस्तों मिलाने आ गया यहाँ पे मैचिंग, यहाँ पे पौधे और इसकी प्रसार विधि दी गई है, इसको मैच करना है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहला का तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा पहला, इसी के अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर बाध्यता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी यह अनुवांशिक विपुंसन का साधन है। नेक्स्ट इसका इंग्लिश वर्जन यह है मेल स्टेरिलिटी इज यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मैनी क्रॉप बिकॉज, ऑप्शन सी इट इज मीन्स ऑफ जेनेटिक इमेस्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बेबी कॉर्न की तोड़ाई डॉट डॉट अवस्था पर की जाती है, ऑप्शन ए सिल्क निकलने के 2-3 बाद, बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ 2-3 आफ्टर सिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है, ऑप्शन ए चिनोपोडियम एल्बम, क्योंकि रबी सीजन का होता है, गेहूं का मुख्य खरपतवार है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज खरीफ सीजन वीट, चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2, क्योंकि यह आरोही क्रम में विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बाजार का सही क्रम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, ये फिर से मैचिंग आ गई दोस्तों, मैचिंग बहुत पूछी गई थी इसमें, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे रोग और उपचार पूछे गए हैं, पहले का तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटिक डाट का घटक है, तो NATP मतलब एटिक जो है कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन ए NATP। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 109, नवीनतम जड़ोद मृदा को स्थानीय रूप से डाट कहते हैं, ऑप्शन बी खादर। द मोस्ट यंग एलुवियल सॉइल आर लोकली कॉल्ड खादर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन डाट किया जाता है, ऑप्शन सी वायु परत बनाना, इसको एयर लेयरिंग बोलते हैं। लीची प्लांट आर कमर्शियली मल्टीप्लाइड बाई एयर लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीक है, ऑप्शन सी ताप संवेदी अनुवंशिक निर्बंधिता। विच आर द फॉलोइंग इज द सिंपल ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल जो है वो लेनी चाहिए, तभी उसका क्रॉप रोटेशन सही तरीके से होता है, लैंड के लिए ये यूजफुल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तय करने का आधार होता है, तो इसका राइट आंसर हुआ औसत उत्पादन लागत, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114 नंबर, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल डॉट डॉट होता है, ऑप्शन ए 400 हेक्टेयर से कम। माइक्रो वाटर शेड हैज एन एरिया ऑफ लेस देन 400 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, ऑप्शन डी मक्का आलू गेहूं मूंग, तो ये रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, फिर से दोस्तों यहाँ पे मैचिंग दी गई है, ये अवस्था दी गई है, ये उदाहरण दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है, ऑप्शन सी MCPB। विच ऑफ द वीडिसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीव्स वीड्स इन लेग्यूम्स, MCPV। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, डॉट डॉट प्रतिपादित किया है कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है, काप डगलस, ये काप डगलस हैं, इन्होंने प्रतिपादित किया, डॉट डॉट हैज काप डगलस हैज प्रोपोंडेड दैट आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, कौन सी मृदा में उच्चतम जल प्रयोग क्षमता है, तो ऑप्शन बी चिकनी मृदा, क्योंकि इसमें जल ज़्यादा देर तक रुका रहता है और वो मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, इसीलिए इसको पेड़ या जो भी है वो ज़्यादा यूज कर लेता है, तो इसका इंग्लिश वर्जन है विच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, तो ऑप्शन बी क्ले सॉइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120वां, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप होता है, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इज, ऑप्शन सी परत अपरदन, सीट इरोजन, ठीक है ना, मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इज सीट इरोजन। तो दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल, मैथ रीजनिंग दुनिया भर की हर चीज़ पूछी जाती है इसमें, फिलहाल आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, नेक्स्ट आप अगर इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, और ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।